ईशो कैसा लग रहा है आज तुम्हारा बर्थडे? यहाँ पे बैठ के केक काटेगा अभी। ईशो अपने बर्थडे की कैंडल्स खुद जला रहा है। यहाँ इतना लोग तो होते नहीं है। ईशो हाउस द केक, वेरी नाइस। विश मांग लो। विश क्या मांगली? मांगली विश। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. विशु ये केक अपने मुंह में डाल लो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। कैसा है विशु? बहुत यम्मी बना। खाओ अभी से डेजर्ट हो गया दो तीन दिन तक का। यम्मी वाला डेजर्ट हो गया दो तीन दिन तक का। ये देखो यार केक इतना प्यारा लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि गर्म ना है, इतना अच्छा केक लग रहा है। कैंडल दोबारा से यूज कर लेंगे भाई। इंडियन हाउस होल्ड देख रहे हो क्या कर रहा है, इसका बर्थडे है आज। कैंडल के नीचे से केक खा रहा है कि कैंडल दोबारा यूज कर लेंगे। और इसका क्या बिगड़ा, थोड़ी एक सेकंड में तवा धो रहे हैं। नो गॉड, अब हम खोलेंगे गिफ्ट्स। विशु अब गिफ्ट्स खोल के दिखाएगा, जो भी मैंने इसको लेके दिए हैं वो ये अभी खोल रहा हूं। मैं दोस्तों एक ये घड़ी मैंने पहले ही पहन ली है। कुछ ज्यादा ही जब एक्साइटेड हो जाता है ना इंसान अपने बर्थडे के लिए फिर ऐसे करता है। घड़ी लेके आई है। वाह जी वाह, भारी सी घड़ी तकिए के साथ। अरे खुलेगी कैसे? काटनी पड़ेगी बेबी। और चल भी लगी कैसे? लग तो तुझे चलनी नहीं है पर। चलेगी ना? लगी कैसी? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है बेबी। मटी कैसी लगी? बढ़िया है, ये देख। दिखाओ। कार्ड मैंने इसको कल रात को दिया था, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, तब इसने पढ़ा नहीं था, इतने ध्यान से बोल रहा था सुबह उठ के पढ़ूंगा आराम से। तभी इसको दोबारा खोल के देख रहा है। ये देखो भाई। इसकी किसी किसी। ये तो मैंने पढ़ लिया था। अब और क्या है बेबी? ये पढ़े गिफ्ट्स तुम्हारे, तुम देखो बहुत प्यार से खोलना ठीक है। हबड़ा लबड़ी नहीं करनी विशो, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कितना टाइम लगता है कि गिफ्ट खोलने में। क्योंकि मैंने टेप मारी है बहुत गंदी, मैंने लिखा भी था उनके ऊपर कुछ, पढ़ तो लो विशो। वेयर दिस And look hot. टेप तो एक सेकंड में डाल देता हूँ। तुम मेरा जुगाड़ देख रहे हो, कोई बता भी नहीं सकता। ये रैपिंग पेपर तो है ही नहीं, हो तो पता ही है खैर, पर फिर भी। ये क्या है? ये शर्ट है। कैसी है मोटे? बढ़िया है। ये शर्ट आई है भाई साहब, मस्त है ना? मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्ट। और ये नहीं मुझे पता लगा। समथिंग टू कीप विद यू फॉरएवर। ये सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्या होगा। विशु कैन यू गेस? रिंग रूम ऐसे कुत्ते नहीं, वो तो नहीं है खैर। वो चीज नहीं है। नहीं इतना मजा आ रहा है इसको स्ट्रगल करते हुए देख के बर्थडे वाले दिन। कितना इजी है इजी। लड़कियों के लगता है अड़ी। खोलने की जरूरत ही नहीं है टेप सारी।
ये पैकिंग है इसमें क्या? ओहो, मैं भी बोल ही रहा था 2 दिन पहले तू लेके ही आ गई। मैं तुम्हारे बोलने से भी पहले से लेके आ रखी इसको। खींच के खुलता है। हाँ। चलो पहना दूँ इसको तुम्हें या तुम पहन लोगे खुद? मैं खुद पहन लूँ। पहनो। एक सेकंड रुक। कैसा है? ये इधर आएगा क्या? वो ऐसा ही है विशु, डिजाइन उसका इस तरीके का, जो मेटल है ना वो सेंटर में रहता है। ये सही है मैग्नेटिक ना यार, कैसा लग रहा है विचू? बढ़िया लग रहा है। ये परमानेंटली पहनने के लिए, इसलिए मैंने इस पे लिखा था समथिंग टू कीप इट विद यू फॉरएवर। अब ये मैं दोनों पहन लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं अच्छे लगेंगे। अच्छे लग रहे हैं ना यार, देखो सी ये मस्त तो लग मेरा रहे पहले हैं। से ही है। यस इट लुक्स गुड ऑन योर हैंड। बस यही था इसमें, वो मैंने पैक करा था इस तरीके से क्योंकि उसके साथ तू ये डब्बा कहाँ नहीं से मिला लेके आई? था। डब्बा नहीं मिला था, डब्बा मैं अलग तरीके से लाई हूँ, अलग लेके आई तू हूँ। कहाँ से डब्बा लाई? डब्बा तो मैं ढूंढ के लाई हूँ, बस मत पूछो कहाँ से लाई। ये डीओ है। नहीं डियो तो नहीं है यार इसमें। यू कैन हैव अ लुक कि क्या है इस पर नहीं लिखा होगा लिखा है यार, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। दिस डिफाइन माय लव फॉर यू। अच्छा सोच रहा है पता नहीं क्या है। ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? खोलो। आ ये लेके आई है। वाह बढ़िया कैसी है इसे दिखाना? है। इनको भी दिखाओ भाई इधर। ये पहन कौन लो से इधर, आदमी पहन लू? उसी में पहन लो, कौन इधर से? वाले में, इधर वाले हाथ में और दूसरे हाथ में। इसमें नहीं आ रही? टाइट है। नहीं 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 आ रही। यार मोटे, इतने मोटे हाथ है तुम्हारे, बाप रे। इसमें आ गई तो इस उंगली में आ रही है। इसमें पहन लो। कैसी लग रही है? ठीक बढ़िया लग रही है ऐसे तो। ये कहाँ से लाई? है मैक्स। वाह फॉसिल की है यार ये देखो, ये इसका गारंटी वारंटी कार्ड बुक समथिंग है। ये भी फॉसिल की ब्रांडिंग है इस पे। ये ही साथ में आ रही है हाँ या फिर यहाँ पे अपना इस उंगली में साथ? हाँ तो इसमें पहन लो, क्या दिक्कत है? अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, महंगे हाथ लग रहे। टैग हटा दो उसका, प्राइस टैग। महंगे हाथ लग रहे हैं। ये तो महंगी आई होगी यार। हाँ तो कितने की आई है मैं क्यों बताऊँ? बताना, बता तो सही। हाँ कितने की आई है? मैं कितने की आई? नहीं बता रही, ये है इसका लास्ट गिफ्ट, इसके ऊपर भी कुछ लिखा है मैंने। समथिंग दैट डिफाइन्स योर पर्सनालिटी। टॉफी थी भाई। ये डियो है। टॉफी की शेप में दिस इज रैप करा डियो, था दिस इज डियो। इसको। दिस इज डियो। दिस इज स्किन समथिंग, मतलब इसको स्किन पे लगाने से ना, मतलब इसमें ना इतनी अच्छी अच्छी खुशबू है ना, इसकी खुशबू हर थोड़ी देर में चेंज होती है, और इसको लगाना स्किन पे है कुछ ऐसा लिखा हुआ था इस पे।
ये स्किन वेयर है। हाँ ये स्किन वेयर है समथिंग, तो ना इसको स्किन पे लगाते हैं, इसकी ना खुशबू हर थोड़ी देर में चेंज होती है। तो ना ये देखो टॉप नोट्स लिखे हैं, हार्ट नोट्स, बेस नोट्स ऐसे लिखा हुआ है। हाँ भाई थैंक यू, क्या हाल है? अच्छा कौन कौन? अभिषो तो मैं मुझसे कौन कौन से गिफ्ट की उम्मीद थी कि मतलब मैं क्या क्या ला सकती हूँ, मतलब क्या क्या हो सकता है। डियो गड़ी, हाँ इसकी उम्मीद नहीं थी। रिंकी और ये ब्रेसलेट की भी नहीं थी। ये ना मुझे ना अभी दो दिन पहले दिखा रहा था कि ना ऐसा कुछ कैसा लगेगा, अच्छा लगता है नहीं लगता, तो मैंने इसको मतलब उस टाइम बोला कि नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है पहना हुआ, है ना। तो ये मुझे कह रहा कि यार चलिए ये ले लेंगे ना जब अगली बार आएंगे दुकान पे, उस टाइम ना वो दुकान बंद थी तो इसको ये नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। कैसे लगे विश्व मेरे गिफ्ट? गिफ्ट बढ़िया। एंड हाउ इज द केक? केक तो हमने खलारा डाला है। लुक चेक प्लीज। हमने डिसाइड किया कि हम लोग ना बाहर जाएंगे थोड़ी देर सब घूमने। बाहर हो रही है बहुत ही तेज बारिश, एज यू कैन सी हमने कपड़े भी करके अंदर सुखा रखे हैं। ये देखो बहुत ही तेज बारिश हो रही है बाहर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा घूम के कॉफी वगैरह पी के किसी कैफे पे, फिर घर आ जाएंगे, फिर घर आके देखेंगे क्या करना है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा घूम आते हैं बाहर, क्योंकि घर पे बैठे बैठे क्या ही करेंगे, बर्थडे है ऑब्वियसली थोड़ा तो घूमना बनता है, तो इसलिए बाहर जा रहे हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, दिस इज हाउ आई लुक। और ये विशु जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि ठंड है। साइड आके बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे खुले खुले से रोड होते हैं, शांति होती है, ट्रैफिक बहुत मिनिमल होता है, हर एक चीज। तो हम ना छोटे छोटे से गाँव के बीच में निकल के जा रहे हैं। अब ये देखो ये आया है एक गाँव छोटा सा, तो अब इसमें ऐसे घूमो, कुछ खाना पीना है कुछ खा पी लो, या ऐसे ही बस मजा आता है। कितना सही आ रहा है, वाह। पहाड़ पे ऊपर की तरफ को चढ़ते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। वाह देख ले, ये तो दिखाने लगा मैं तुझे। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब फोन बंद कर और आंखों से देख। पहाड़ पे जब हम चढ़ते हैं ना बिल्कुल भी फील नहीं होता कि पहाड़ या पहाड़ी रास्ता है या पहाड़ पे हम लोग चढ़ रहे हैं। व्यू इतना खतरनाक है ना यार यहाँ से, मतलब फोन में नहीं इतना आप देख पा रहे होगे, लेकिन यार बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे व्यू इंजॉय करने वाले हैं थोड़ा सा। फोन में नहीं आती ये चीज यार, दिख नहीं पाती। अब इसको जो आंखों से दिखाना वो मजा आता है। वो तो है ही, बट फिर भी चलो जो दिखेगा इनको वीडियो में दिख जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का बहुत जो भी दिखेगा। ये देखो ये ऊपर जाने का रास्ता यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम। हमने सोचा क्यों ना बर्थडे को जरा शांति में एंजॉय किया जाए। वहाँ से हम लोग उस रोड से आए यार, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा
वो जो रुकड़ है ना हल्की सी नजर आ रही है बस वहां से नीचे से, वो इतना सही है ना। हम लोग ना इसकी हाईएस्ट पीक पे आ गए हैं, यहाँ पे इससे ऊपर नहीं हम लोग जा सकते हैं पैदल रास्ता है, पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो स्लिपरी होता है सब कुछ। यार इतना अच्छा लग रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग सा लग रहा है। ये कार पार्क बना रखा है इन्होंने, और इधर इस साइड होटल है मेरी होटल, और ना ये क्यूट सा ये यहाँ पे ना कैफे टाइप बना रखा है इन्होंने। ये वो पहाड़ है, थोड़ा इंडियन स्टाइल है, शिमला वाली फीलिंग आ रही है हमें यहाँ पे। तो वो सामने ना ऐसे कैफे टाइप है, हम लोग वहाँ जाएंगे और कॉफ़ी पियेंगे, मज़ा आएगा। पहाड़ पे ऐसी ठंडी ठंडी हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है विशु। यहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत सारे बैठे हुए हैं जो पी रहे हैं कॉफ़ी। देखो यार कितना क्यूट है ना, एकदम इतना प्यारा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे आइकॉनिक टेलीफोन बूथ भी है इस कैफे का मेन्यू है, और ये भी है यहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह का मेन्यू। ये है इसकी वाइब, अब देंगे हम शॉप की यहाँ पे। और यहाँ पे भी मेन्यू में काफ़ी कुछ लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका, इतना बड़ा उम्मीद है। चल ये देखो यार ये कितना प्यारा है, ये इनकी शॉप है, बिल्कुल इंडिया जैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है देखते। ये मेरी प्यारी मोखा, और ये रही विशु की हॉट चॉकलेट, और ये है हमारा व्यू। उधर भी बैठ सकते हैं, बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है तो हम लोग शेड के नीचे बैठे हैं। मैम ने और भी ऑर्डर किया, वो आ रहा है अभी। हाउ इज इट? शानदार है। शानदार लगी इसको। यम यम यम।